हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे BS6 की कॉमन रेल टेस्टिंग के बारे में। तो ये पंप रेल इंजेक्टर आया है मेरे पास। पंप की वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आपने नहीं देखा तो लिंक आपको एंड में मिल जाएगा। तो ये डेल्फी की रेल है BS6 की। यहाँ पर PRV बार लगा, देखिए प्रेशर लिफ्ट रिलीफ बार लगा है यहाँ पर। तो इसको चेक करेंगे कि हमारी जो कॉमन रेल है वो ओके है कि नहीं। तो यहाँ से डीजल जो आ तो नहीं रहा, इसका प्रेशर है जो PRV बार वो लीक तो नहीं हो रहा, वो इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक कैसे करना, आप अपनी मशीन पे भी कर सकते हो। देखिए, आपको जहाँ आप जहाँ इंजेक्टर लगाते हो वहाँ पे आपको इस तरह रेल का कनेक्शन कर देना है। देखिए, जिस तरीके से हमने इसमें कनेक्शन कर रखा है, सारे जो कनेक्शन इसके बंद कर दिए, एक में हमने मेन पाइप लगा दी है। तो आप इस तरीके से जो है इसको रेल को चेक कर सकते हो। और चेक कैसे करना है, कितना प्रेशर देना। देखिए, हमने मेन पाइप लगाया, बाकी अडाप्टर इसके बंद कर दिए हमने। और यहाँ पर हम जो स्टिक लीक है, इसका लीक टेस्ट है वो रखेंगे। देखिए, यहाँ पर लीक टेस्ट है, इसको चेक करेंगे। तो देखिए, हम कोई भी इंजेक्टर का आप जो है लीक टेस्ट लगा सकते हैं, किसी भी इंजेक्टर का। तो हमारी जो कॉमन रेल है वहाँ से रिलीफ वाल्व से, जिसका PRV वाल्व होता है, वहाँ से जो है डीजल नहीं आना चाहिए। तो इसको हम ऑन करते हैं, देखिए चलाते हैं। तो हम मशीन को दोस्तों हमने ऑन कर लिया। प्रेशर भी इसमें पूरा बना हुआ है 1600 बार का, पर हमारा जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो बिल्कुल ओके है। आप देख सकते हो 1600 बार का इसमें प्रेशर जनरेट है, पर हमारा PRV वाल्व ओके है। तो आप इस तरीके से रेल को चेक कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।